जो मेन हमारा जो ये है, जो मूलभूत है हमारा एलिमेंट, वायु हो, जल हो, अग्नि हो, आकाश, इनकी शुद्धि के लिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारा जो काम शुरू हुआ वो पर्यावरण प्रदूषण और भ्रष्टाचार, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती तो सबसे पहले वो भ्रष्टाचार तो से हो ही जाएगी। इसी इलाके में इन पेड़ों पर जो था वो नहीं होता था, धूल नहीं, फल नहीं निकलते थे, क्योंकि 7 स्टोन क्रेशर थे आसपास, और 7 स्टोन क्रेशर की जो इतनी धूल थी कि इसमें फ्रूट्स नहीं निकलते। यहाँ बिल्कुल बैरन लैंड हो चुकी थी, यहाँ के लोग ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज से बीमार थे। और उसके बाद जब ये अनशन शुरू हुआ, यहाँ पे वैदिक संस्कृति से काम शुरू हुआ, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और जब गंगा में इतने ट्रैक्टर ट्रॉली और ये सब देखे, तब यहाँ से विरोध शुरू हुआ। विरोध का हमारा जो उपाय है वो गांधीवादी, सत्याग्रह करते हैं अहिंसा से, और सत्याग्रह का नोटिस दे के बैठ जाते हैं, जो भी कानूनी है उसके हिसाब से हम लोग लड़ते हैं, और हमेशा हमें सफलता प्राप्त होती है। हम गृहस्थ हैं, हमको काम करना, ये हमारा ये संकल्प कि अब हमारी मांगे नहीं है, मांगे की जगह अब हमारा डिटर्मिनेशन हो गया, अब हमारे संकल्प हो गया कि संकल्प जब तक पूर्ति नहीं होगी हम इसको खत्म नहीं करेंगे आंदोलन। गंगा तो इसलिए है ना, कोई व्यक्ति आएगा किनारे बैठ के ध्यान करेगा, तब करेगा, ये करेगा कि वहाँ सैकड़ों ट्रक जाने के लिए। हमारे पास एनवायरमेंट मिनिस्टर आदेश है कि गंगा से ट्रक ट्रैक्टर नहीं जाएगा, उसका पालन नहीं कर रहा, और दिन रात खनन कर रहा है, कह रहा है कि शासन आदेश है, ये है, शासन में पीसी शर्मा है, उसको जब जो आदेश जिसके लिए बाधक हो रहा है उसी को बदल दे रहा है। ये लोग कहते हैं तो शासन आदेश हो गया, तो को एक अपने को तथाकथित देव भूमि के मुख्यमंत्री कहते हैं ये देव भूमि है, और अपने को धर्म के कहते हैं कि हम धर्म के स्थापना के लिए है, वो मुख्यमंत्री वचन दे करके मुकर जा रहा है, आज तक उसे पता है कि नहीं पता है इस बात का, ये खबर हमको नहीं दी गई है, तो क्या कहा जाएगा। तब तो एक बात है बलिदान लो। हमने उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस कर रखा है कि दो ही बात है, या तो हमको हमारा जो अधिकार है गंगा किनारे रह करके तप करना, तपस्या करना, हम साधु हैं, या वो दो, या नहीं तो हमको ये दो कि एक एक करके हम तप करके द्वारा अपने शरीर को बलिदान कर देंगे, जब तक तप के ताप से तेरी कठोर हृदय को कठोर हृदय पिघल नहीं जाए। उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं कर रहे हैं, CBCIT इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, बीच में रोक रखा है। ये मेन चीज क्या है कि गंगा में जो खनन है वो खनन बंद होना चाहिए। ठीक है, रोजगार मिलता है, लोगों को पत्थर उठाया जाता है, लेकिन पत्थर उठाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। स्वामी जी ने अपनी मांगे रखी है, उसमें एक मांग तो ये भी है, खनन के द्वारा जो है गंगा की ढांगों को तोड़ा जा रहा है। ढांग जो गंगा किनारे छोड़ी हुई जमीन देखिए सामने है ना, सामने वो जंगल है आपका, ऐसे हाँ, है तुझी को ढांग का। तो ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं, पूर्व में जो गंगा थी ना वो कहा, मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि ये नील नदी और पर्वत नदी, ये चंडी देवी मंदिर जो है वो नील पर्वत पर है, मनसा देवी बिल पर्वत पर है, इनके बीच से गंगा बहती थी। धीरे धीरे युग पलटे, पानी जल स्तर कम हुआ, बीच में गंगा ने जगह छोड़ी, उस पर घाट वाट आदि बने, इसी प्रकार गंगा का जल स्तर छूटा, जमीन छूटी, उसमें जंगल उगे, खैर के जंगल हैं, मतलब सब कीमती पेड़ हैं। गंगा का जल स्तर कम होने से भूमि खाली, उस पर अतिक्रमण भी हुआ है, सारी चीज़ हुई है। तो खननकारी क्या करते हैं, ये JVD मशीन आदि ले आते हैं और ढांग में लगाया, उसको ढा दिया, उससे क्या गंगा का पार्ट चौड़ा आ रहा है, जितना चौड़ा पार्ट होगा जल स्तर उतना कम होगा, सीधी सी बात है। और खैर के जंगल भी साथ साथ नष्ट किए जा रहे हैं, जो विदेशी पक्षी यहाँ आ रहे थे जिनका यहाँ एक वेटलैंड्स का भी काम कर रहा था, इंडस्ट्रियां लगी है, सबका पत्थर गंगा से उठा के बढ़ाया जा रहा है। इसका एक मानक है कि इतना पत्थर उठना चाहिए, उसका हजार गुना सैकड़ों गुना पत्थर दैनिक उठाया जा रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है। गुरुदेव ने अनशन करके 5 जहां आप लोग बैठे ये सब स्टोन क्रेशर के, हमारे यहां से 3-4-5 गाँव में कई हजार गायें चुगने के लिए यहाँ जंगल जाती थी, और अच्छी उनकी हेल्थ थी, दूध देती थी 4-4 महीने के लिए, जब बरसात होती थी बाहर ही रहती थी, वो बाहर ही रहती थी 4 महीने के लिए, और उसके बावजूद वो भी उन्हें भी घास फूस मिलता था, ये जो जंगली जानवर है, तब यहाँ कोई नहीं आता था, और आज वो स्थिति ना तो उन्हें ही मिल रहा, हमारे तो पशु है ही नहीं, रहे नहीं अब, तो ये स्थिति क्यों आई है, ये खनन की वजह से आई है। एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, दिस इज एंड डायरेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ हरिद्वार। It says they please find enclosed a copy of the representation by Swami Nikalanand Saraswati of Jagjitpur Kankhal Hardwar
रिगार्डिंग डीजल पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा कास्ट बाई ट्रक्स लॉरीज एंड अदर डीजल ड्राइवन व्हीकल्स क्रॉसिंग ऑन द रिवर बेड एट जगजीतपुर वाइल ट्रांसपोर्टिंग द माइन मेटीरियल फ्रॉम रिवर बैंक गंगा वाटर इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाई द आश्रम रेजिडेंस विच इज काजिंग हेल्थ हैजर्ड ऑफ द बैंक इट्स रेजिडेंस एंड आश्रम यून मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैव एश्योर्ड स्वामी निकलंजा ऑन द लेटर दैट दिस अक्रॉस बैट मूवमेंट ऑफ द ट्रक्स विल बी स्टॉप फॉर विद बाई नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आई एम देयर फॉर डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट टू यू द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर टू द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अथॉरिटी टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स द स्टॉपेज ऑफ सच ट्रक्स व्हीकल्स मूवमेंट ऑन द रिवर बेड एट जगजीतपुर और एनी अदर प्लेसेज विच इज काजिंग रिवर पॉल्यूशन बाई सच एक्टिविटीज अब बताइए ये ऑर्डर है।